नौ साल दस साल तक है ना, दस साल तक हमारा इसमें जो का काम किया झाट वाले टेंशन मिली हम लोग का। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। जब ऐसा है कि अभी हमारा राज्य में जी इकबाल इमामी कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, वो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा है। हाँ। यहाँ के आपके जो भावे कैंडिडेट होंगे। हाँ। हमारा बहादुरगंज का कैंडिडेट वही तौसीफ आलम ही रहेगा। तौसीफ आलम तो वो कांग्रेस से है, कांग्रेस का ही होता है, वो तो चलता है उसका ना, जैसे आप चलता है तो वही लेकर क्या करेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अतुल ईमान जो है, अतुल ईमान MIM पार्टी से है, पतंग साहब से है, विधायक तौसीफ हाथ साहब से है, तो आप हाथ साहब को सपोर्ट कर रहे हैं या पतंग साहब को? देखो हमारा जो विधायक है उसको हमें वोट देना है, तो फिर आप सपोर्ट के सपोर्ट हमारा विधायक विधायक हमारा एक प्रखंड का तौसीफ ही रहेगा, बाकी जिला के लिए अतुल ईमान रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि 7 नवंबर को किशनगंज में इलेक्शन होने वाली है, विधानसभा इलेक्शन 2020। बात करते हैं, अभी अभी हम लोग हैं ठाकुरगंज और बहादुरगंज के बॉर्डर में, यहाँ पे कुछ लोग आपको बहादुरगंज के मिलेंगे, कुछ लोग ठाकुरगंज के मिलेंगे। तो बात करते हैं यहाँ के लोगों के बारे में कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, यहाँ के लोगों के मिजाज क्या है, क्या इस बार बदलाव मुमकिन है, क्या इस बार जो विधायक है वही रहेंगे, या अगर बदलाव करेंगे तो किस पार्टी को लेकर के बदलाव करेंगे यहाँ के लोग। चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, यहाँ पे एक भैया है उनसे बात करते हैं। तो ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम सोहेल आलम। पहले आप ये बताइए क्योंकि ये ठाकुरगंज और बहादुरगंज का बॉर्डर है, तो आप बावन विधानसभा में पढ़ते हैं या ठाकुर विधानसभा में? बहादुरगंज। बहादुरगंज विधानसभा में, यानी विधायक तौसीफ साहब। हाँ। तो एक बात बताइए, क्या इस बार का मिजाज है आप लोग का, क्या करना चाहते हैं? ये पब्लिक का मिजाज पब्लिक ही समझेगा। हाँ, पब्लिक का मिजाज पब्लिक ही समझेगा। हमारा हाँ। मिजाज ऐसा है कि अभी हमारा राज्य में जी इकबाल इमामी कैंडिडेट हमारे लिए अच्छा है, वो कैंडिडेट आपके लिए अच्छा है। हाँ। यहाँ के आपके जो 52 कैंडिडेट होंगे। हाँ। हमारा बहादुरगंज का कैंडिडेट वही तौसीफ आलम ही रहेगा। तौसीफ आलम तो वो कांग्रेस से है, कांग्रेस का ही है, तो वो तो चलता है उसका ना, जैसे यहाँ पे चलता है तो वो प्रखंड लेकर क्या करेगा। हम क्या बोल रहे हैं कि अतुल ईमान जो है, अतुल ईमान MIM पार्टी से है, पतंग छाप से है, विधायक तौसीफ हाथ छाप से है, तो आप हाथ छाप को सपोर्ट कर रहे हैं या पतंग छाप को? देखो हमारा जो विधायक है उसको हमें वोट देना है, आपको वोट देना है। हाँ। तो फिर आप सपोर्ट के सपोर्ट हमारा विधायक विधायक हमारा एक प्रखंड का तौसीफ ही रहेगा। हाँ। बाकी जिला के लिए अतुल ईमान रहेगा, जिला के लिए, क्योंकि देखिए अभी अतुल ईमान का वोट नहीं है, अभी अतुल ईमान अमोर बैसा से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसका भी कैंडिडेट खड़ा होगा ना, मेरे वाला कैंडिडेट खड़ा होगा ही, खड़ा होगा ही। तो जैसे कि अंजार नेमी साहब है, मसूबीर साहब है, और मुस्तफा अनवर राही साहब है, मंसूर मुखिया है, और वो लोग विधायक तौसीफ के खिलाफ खड़े होंगे, उनमें से आप किसको पसंद करें? खिलाफ किसी का कोई नहीं है। हाँ। देखो वोटर ये कैसा चीज है, पब्लिक का मिजाज है, पब्लिक जिसको सपोर्ट करेगा वही कैंडिडेट खड़ा होगा, वही MLA बनेगा। आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप ये बताइए साहब। मैं दिल खोल के बोलता हूँ, कैंडिडेट हमने MIM को चुना हूँ, बाकी हमारा प्रखंड से मुझे देना है वोट तौसीफ आलम को, यानी MIM को चुनिए, फिर विधायक तौसीफ को वोट करेंगे। यानी कहीं ना कहीं आपके दिल में विधायक तौसीफ के लिए भी मोहब्बत है और MIM के लिए भी मोहब्बत, दोनों। तो ऐसे में आप जिताइएगा किसको? ये सवाल जिताना है मुझे जोर करके MIM को। आप जोर करके MIM को आप वोट दीजिएगा विधायक तौसीफ को, तो MIM कैसे जीतेगा? नहीं, हमारा प्रखंड का जो वोटर है जी, तो इसको ही देना पड़ेगा मुझे, तौसीफ को ही देना पड़ेगा। यानी कि वो तो देखिए बात ये जब विधायक तौसीफ को वोट दीजिएगा तो विधायक तौसीफ जीतेगा, MIM नहीं जीतेगा। एक प्रखंड से विधायक तौसीफ आलम जीतने से कुछ नहीं होगा। हाँ। बाकी उसका वोटर रहेगा, उसका भी परिवार चलना चाहिए ना किसी तरह। चलिए दोस्तों, कि जैसे कि भाईजान कंफ्यूज है, वो MIM को पसंद भी करते हैं और MIM का विधायक भी जाते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। हमारे एक भाई भैया, आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? भैया आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या? अकबर अली साहब। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपका घर कहाँ होगा? डुआडंग। बहादुरगंज विधानसभा या ठाकुरगंज विधानसभा? बहादुरगंज। बहादुरगंज विधानसभा। आप भैया क्या करते हैं, घर में रहते हैं या बाहर में रहते हैं? घर में रहते हैं। घर में रहते हैं। क्या चाह रही है इस बार जनता, लोग बदलाव चाहती है या फिर से विधायक जी जीतेंगे?
विधायक जी जीतेंगे। विधायक जी जीतेंगे, आप विधायक के सपोर्ट में, कांग्रेस के सपोर्ट में आप, तो क्या लगता है सर विधायक जी को, क्योंकि चारों तरफ एमआईएम का हवा, लोग कह रहे हैं कि एमआईएम जीत रही है, तो आप बोले विधायक जी जीते, क्या विधायक ये झूठी हवा है, ये हवा खत्म हो जाएगा, विधायक जी जीतेगा, विधायक जी जीतेगा, कहीं ना कहीं तौसीफ साहब जीतेंगे आप, हाँ जीतेगा। आपका नाम क्या हुआ? सैदुर्रहमान। सैदुर्रहमान साहब, आपका घर? डुआडांगी। डुआडांगी। अच्छा एक बात, विधायक तौसीफ जीतेंगे, विधायक तौसीफ ने आपके लिए क्या किया, जो आप विधायक? बहुत कुछ किया है। एक काम गिना दीजिए हमको, हॉस्पिटल, कॉलेज या फिर कुछ ऐसा? बहुत कुछ कर दिया, कौन ठो बारे बोलेंगे। चलिए यहाँ पे एक चीज है, वो भी कुछ बोल लेते, आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? गुलजार हुसैन। गुलजार हुसैन साहब, आप बताइए कि आप इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी को, विधायक जी को? विधायक जी। विधायक जी को सपोर्ट कर रहे हैं। विधायक जी ने क्या किया आप लोगों के लिए? बहुत कुछ किया, जैसे कि एक काम गिना दीजिए, पुलवा किया है और बहुत से काम किया है, पुलवा बनाया है, लेकिन ये पुल यहाँ पे है, एक बात ये भी है, लोग कहते हैं कि विधायक तौसीफ का इस बार हवा नहीं है, ये हवा। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपको कौन पसंद है? वो खाली सवाल है, जब आप अच्छा आप ही बताइए, आप कौन से विधानसभा से? बहादुरगंज से या ठाकुरगंज से? हम ठाकुरगंज से। ठाकुरगंज से, तो आप इस बार नौसाद साहब है आपके, आप नौसाद को वोट देना नहीं है, फाइनल बात है, फाइनल बात है, फाइनल है। तो एक बात बताइए कि जैसे वो जदयू में है, उसको वोट नहीं देना है, चाहे तो आपको कांग्रेस में देना पड़ेगा, चाहे तो एमआईएम में देना है, आप किसको दीजिएगा? देखेंगे, जो अच्छा पार्टी लेगा, अच्छा कैंडिडेट रखो उसको देंगे। चलिए वो आपकी व्यक्तिगत हुआ कि जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। अभी अभी फैसला कैसे करेंगे? अभी किसका हवा चल रहा है? हवा अभी किसी का पता है? पहला हवा है कि क्या ऐसा नाम है? असद इकबाल साहब आए हैं, हमारा भाई लग रहा है जी, हमारा चाचा का साल बेटा, वो एमआईएम से, हाँ तो उसका हवा देखेंगे, उसका काम देखेंगे, तो उसको ही देंगे वोट हम लोग। हम लोग को क्या, नौ साल दस साल तक है ना, दस साल तक हमारा इसमें जो विधायक का काम किया, तो झाट वाड़ के में दिया हम लोग का, सिर्फ जोतने का काम किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हम लोग नया विधायक चुनेंगे अपना पसंद से, पूरा पब्लिक, यानी जो भी आपको बेहतर लगेगा आप उनको चुनेंगे। तो दोस्तों ये ठाकुरगंज से अंकल, और इनका कहना है कि नौसाद साहब से उग चुके हैं, नौसाद साहब कुछ भी काम नहीं किया है और इस बार बदलने का काम करेंगे, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो कांग्रेस हो, केंद्रीय डायरेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए और लोग हैं यहाँ पे, इनसे बात करते हैं। आपका नाम? जायदुर्रहमान। जायदुर्रहमान, हाँ जी। आप कौन से विधानसभा से हैं? हम बहादुरगंज से। बहादुरगंज से, क्या चाह रहे हैं इस बार आप लोग? इसमें हम लोग का तौसीफ आलम है। फिर तौसीफ आलम, यानी फिर से तौसीफ आलम, पांचवी बार। अच्छा एक बात बताइए, विधायक तौसीफ आलम को आप वोट करेंगे? घर का बच्चा है हम लोग का। अब घर का बच्चा, तो अंजार नेमी हुआ या मसूर साहब, कोई भी हो हम लोग का वही है, वही भी है, वही है, यानी कि आप लोग विधायक जी को ही वोट करेंगे, यानी कि। अच्छा यहाँ पे आप लोग का घर, गाँव का नाम? डुआडांगी। डुआडांगी, तो लगता है इस बार की विधायक तौसीफ जीत जाएंगे, तो कुछ काम कर पाओ? ऊपर वाला ऊपर वाला कहेगा, हम लोग तो कोशिश करेंगे जी, मैं ऊपर वाला, उसका अगर गाजी है तो इसमें इंशाल्लाह निकलेगा, यानी वो निकलेगा, निकलेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि उसका हवा ही नहीं है इस बार, जो कहता है कहने दीजिए। हाँ आप, लेकिन हम तो कहेंगे इस बार भी निकलेगा इंशाल्लाह, ऊपर हो सकता है विधायक जी के घर के बगल में, आप इसलिए घर के बगल में ही है, ऐसी कोई बात नहीं है, घर के बगल में हमारा पंचायत का है, वो गुड्डी उठी कुछ नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, गुड्डी उठी उठ जाएगा, किसी का नहीं चलेगा, ये हवा एक तो झूठे हवा कर, झूठे हवा और कुछ नहीं है ना, बिल्कुल हाथ सब चलेगा। तो जैसे कि कहीं हम जा रहे हैं तो पतंग का हवा चल रहा है, तो कहीं विधायक का हवा चल रहा है, बात करें यहाँ पे लोगों की, तो लोग आपका नाम क्या भैया? मुजीबुर्रहमान। मुजीबुर्रहमान साहब, आप घर में रहते हैं बाहर में रहते हैं? घर में रहते हैं। घर में रहते हैं, तो एक बात बताइए इस बार आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को, फिर से कांग्रेस, क्यों? उसको देना ही होगा, पार्टी अच्छा है ना। पार्टी अच्छा है, काम क्या किया वो बताइए आप? वो जा काम बहुत किया, कौन काम नहीं किया, हर काम किया। जैसे एक काम गिनाइए हमको कि यहाँ पे कह रहे स्कूल या कह रहे कॉलेज खुलवाया आपकी, कौन, कोई तो नहीं किया ना अब तक, जो जीता कोई तो नहीं किया। नहीं, 16 साल से आपके विधायक जीते हुए साहब, काम कोई दूसरा कैसे बनाया, पुला बनाया, हर चीज बनाया, पुल विकास के नाम पे नहीं आता, वो लिस्ट में नहीं है विकास का। आप स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल का नाम बताइए। अरे स्कूल बना ना, जो वहाँ बस्ती में बना, बहुत स्कूल, वो स्कूल नहीं, यूनिवर्सिटी कैसे लेके आपके यहाँ पे, तो उसका हाथ में यूनिवर्सिटी थोड़ी चलेगा, इसके हाथ में, वो तो बड़ा पार्टी का हाथ में, नीतीश कुमार नीतीश कुमार। नहीं, तो बात ये है कि आप कहते हैं कि घर का बेटा अगर मजबूत हो तो घर मजबूत हो जाता है, वो तो कहीं ना कहीं आपका अगर स्कूल कॉलेज नहीं बना है तो आपका घर का बेटा कमजोर है, मानते इस बात को? कमजोर है, पार्टी उसका अभी नहीं है ना, सरकार में बैठा हुआ नहीं है, उसी 6 साल से सरकार में नहीं, उससे पहले वही सरकार में,
किया है उस टाइम, किया है ना काम, बहुत काम किया है उस समय, वो काम किए थे। लेकिन अब 16 साल में आप हमको एक भी कॉलेज का नाम बताइए, अब एकदम जानकार आदमी, समझदार आदमी दिख रहे हैं हमको, एक भी कॉलेज का नाम बताइए, कौन कॉलेज बनाया है? अभी कॉलेज कहाँ बनाया, हाँ उसको देना ही, वोट उन्हीं को देना, जीतेंगे वही, क्या लगता है इस बार जीतने के पर वो कुछ काम कर पाएंगे? करेगा, अच्छा काम करेगा, उसका सरकार बैठेगा तो काम करेगा, सरकार बैठेगा, अगर सरकार नहीं बैठा तो फिर 5 साल वोट बाद बर्बाद होने दिया, देगा पब्लिक क्या करेगा? अच्छा चलिए, सब तो आता और खाता और जाता है। शुक्रिया आपका। दोस्तों जैसे भी हम लोग बांसबाड़ी चौक में हैं, यहाँ के लोगों का मिजाज बदलाव नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लोग फिर से विधायक तौसीफ साहब को जिताना चाहते हैं यहाँ पे। और मैं आपका दोस्त रियाज रे, आपका अपना चैनल अपना गाँव से, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।